आज की जो रेसिपी है ये परफेक्ट समर रेसिपी है और आज बन रहा है रोज फालूदा। अब तो खैर बहुत सारे अलग अलग फालूदा मिलने लगे, यहाँ तक कि मैंने तो अभी चॉकलेट फालूदा भी देखा हुआ है, पर मेरा हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट जो फालूदा रहा है वो है रोज़ फालूदा। तो आज वही बनाते हैं और जो फालूदा में जो पतली पतली सी बारीक सेव जो वो ऐड करते हैं हम आज वो भी घर पे बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। तो फालूदा बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक थोड़ा सा गाढ़ा दूध भी रेडी करना पड़ेगा और जैसे कि मैंने कहा सेव भी बनानी है ना फालूदा की। तो सबसे पहले मैं ये एक पॉट में मैंने एक कप दूध लिया है। अब जो सेव का पहले हमें एक मिक्सचर बनाना है उसके लिए मैं एक फ्लैट पैन ले रही हूँ। इसको अभी मैंने गैस पे नहीं रखा है, ये नॉर्मल ही है और इसमें मैं 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ और अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून शक्कर है और ये कॉर्नफ्लावर है, ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया हुआ है। अब ये जो मिक्सचर है इसको हमें पहले अच्छे से मिक्स करना है, कहीं पे भी लम्स ना रहे क्योंकि कॉर्नफ्लावर हमेशा वो बेस में जाके चिपक जाता है और चम्मच जब आपका स्मूथली घूमने लगे पैन में दैट मीन्स के नीचे कुछ भी अभी चिपका नहीं है। और अब जाके मैं ये पैन को गैस पे रखूंगी और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और ये कॉर्नफ्लावर वाले मिक्सचर को हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाए। एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना दैट मीन्स के कॉर्नफ्लावर पक गया है और एक सेमी थिक हमें लिक्विड मिल जाएगा। अब जब तक ये कॉर्नफ्लावर पक रहा है मेरे पास यहाँ पे ये कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया हुआ है, आप इसकी जगह पे वापस कॉर्नफ्लावर का यूज़ कर सकते हैं, ये 1/2 टीस्पून जितना ही है और इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर देती हूँ और हम मिक्स करके दूध में ऐड कर देंगे और साथ में ये भी हम चलाते रहेंगे। अब लास्ट में मीठे के लिए मैं कंडेंस मिल्क का यूज़ कर रही हूँ, मैंने ये 1.5 टीस्पून कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, आप शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं और कंडेंस मिल्क कैसे बनता है ये आप मेरे दूसरे वीडियो में भी देख सकते हैं और बस एक उबाल आए तब तक पकाएंगे। ये देखिए कॉर्नफ्लावर पकना शुरू हो गया है, ये टाइम पे कंटिन्यू आपको स्टर करना है, आपको कहीं कहीं पे ये जेली जैसा टेक्सचर दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए दूध ये गाढ़ा भी हो गया है और ये फालूदा के लिए परफेक्ट है। अब मैं इसको साइड में कर देती हूँ और ये कॉर्नफ्लावर देख लेते हैं। अभी भी ये मिक्सचर हल्का सा वाइट है, थोड़ा सा 5 मिनट और पकने देंगे। ये देखिए अब ये मिक्सचर एकदम ही ट्रांसपेरेंट हो गया है, नीचे एकदम आप पैन भी देख सकते हैं, बस यही टाइम पे हम हीट को टर्न ऑफ कर देंगे। ये जो दूध है इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए क्योंकि फालूदा में ठंडा ठंडा दूध बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये जो हमें फालूदा की सेव बनानी है ये काम आप वो जो सेव बनाने का मशीन आता है ना उससे भी कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप मेरी तरह एक पाइपिंग बैग लेके, ये ऐसी वाली मेरे पास एक नोज़ल है, इससे भी आप बना सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बेजिल सीड्स होते हैं ना जिसको गुजराती में तो तकमरिया कहते हैं, तो ये मैंने लिए हुए हैं और ये फालूदा की जान होती है, इसके बिना तो फालूदा फालूदा नहीं लगता है। तो ये जो तुकमरिया है इसको मुझे पानी में भिगाना होता है, बहुत जल्दी भीग जाता है, ये मैंने 1 टेबलस्पून लिया हुआ है और बस साइड में छोड़ देते हैं। अब हम सेव बनाते हैं, इसके लिए मैंने एकदम ही चिल्ड पानी लिया हुआ है और इसमें ढेर सारे आइस क्यूब्स डाल दिए हैं और अब ये वाला नोज़ल हम अंदर डाल देते हैं। ये कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर थोड़ा सा गर्म होगा तभी आप इसकी सेव बना पाएंगे और अब मैं ये ऐसे सेव बनाना शुरू कर देती हूँ। ये देखिए फालूदा की सेव भी बनके रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। अब मैं फालूदा असेंबल करती हूँ, ये एक बड़ा सा ग्लास ले लेती हूँ और मेरे पास यहाँ पे ये रोज़ सिरप है तो मैं रोज़ सिरप को पहले ये ग्लास में से वॉल पे भी डाल देती हूँ और अब ये जो हमने सेव बनाई है वो मैं ले लेती हूँ और पानी हल्का सा ड्रेन करते हुए
हम सीधा ग्लास में डाल देंगे। और अब ये जो हमने बेसिल सीड्स जो भिगाए थे, ये देखिए 5 मिनट में ये कितने अच्छे फूल चुके हैं। ये मैं ले लेती हूँ। अब जाएगा थोड़ा सा और ये रोज़ सिरप। अब मैं ये आइसक्रीम ले लेती हूँ और ये भी हम ऐड कर देंगे। और अब ये जो हमने गाढ़ा दूध तैयार किया था ये जाएगा। और अब ऊपर से मैं थोड़ी सी ये जो हमने सेव बनाई है वो ऐड कर देती हूँ। तुकमरिया है वो भी जाएगा, थोड़ा सा रोज़ सिरप। और अब लास्ट में जाएगा कुछ बादाम एंड पिस्ता। और लास्ट में ऊपर से मैं रख देती हूँ ये एक चेरी। तो लीजिए, तैयार है सुपर कूल ठंडा ठंडा फालूदा। स्वर्ग तो देखा नहीं अभी तक, पर धरती पे यही स्वर्ग का आनंद है, ट्रस्ट मी।